हेलो दोस्तों, स्पोर्ट्स नाउ में आपका स्वागत है। और नेपाल की टीम ने जिस तरह से आज सभी को हैरान करते हुए ऑस्ट्रेलिया को मात दी है, जी हाँ, हांगकांग सुपर सिक्स टूर्नामेंट चल रहा है और उस टूर्नामेंट में नेपाल का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया की टीम से था। ऑस्ट्रेलिया की टीम में भी बड़े बड़े नाम खेल रहे थे, हेजलेट थे, डेनियल क्रिस्टन थे, वुड थे, और ऐसे तीनों आक्रामक बल्लेबाजों के सामने भी नेपाल की टीम ने शानदार प्रदर्शन किया और टीम ने ऑस्ट्रेलिया को मात दे दी है। जी हाँ, बात करें इस मैच की तो नेपाल ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 ओवर में 111 रन बनाए और नेपाल के लिए फिर एक बार शानदार पारी खेली संदीप जोरा ने। जोरा ने इससे पहले मैच में भी अर्धशतक लगाया था और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी शानदार बल्लेबाजी की। जोरा के प्रदर्शन की बात करें तो संदीप जोरा ने 16 गेंदों में 51 रन की पारी खेली, जिसमें उन्होंने 5 चौके और 4 छक्के लगाए। वहीं उनका स्ट्राइक रेट 318.75 का रहा। इस बल्लेबाज ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी की और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को चारों खाने चित कर दिया। नेपाल से मिले 112 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया टीम भी मात्र 6 ओवर में 100 रन ही बना पाई और इस लिहाज से नेपाल ने 11 रनों से ये मुकाबला जीत लिया। जिस तरह का प्रदर्शन नेपाल की टीम ने किया है, उसने सभी क्रिकेट फैंस को नेपाल को लेकर, जो कहते हैं ना, बहुत ज्यादा एक्साइटेड किया है, क्योंकि नेपाल क्रिकेट वर्ल्ड क्रिकेट में उभर रही है और जिस तरह के प्रदर्शन वो लगातार कर रही है, चाहे उनकी टीम जो अभी यूएसए और स्कॉटलैंड के खिलाफ खेल रही हो या हांगकांग सिक्सर्स में जिस तरह का नेपाल का प्रदर्शन रहा है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से प्रदर्शन की बात करें तो सबसे ज्यादा रन बनाए हैं वुड ने। वुड के प्रदर्शन की बात करें तो जैक वुड ने 16 गेंदों में 55 रन की पारी खेली, जिसमें 4 चौके और 6 छक्के लगाए और उनका स्ट्राइक रेट 343.75 का रहा। लेकिन वुड के अलावा ऑस्ट्रेलिया का कोई बल्लेबाज इस मैच में अपना जलवा नहीं दिखा पाया, जिस वजह से ऑस्ट्रेलिया को हार का सामना करना पड़ा। वहीं नेपाल के गेंदबाज प्रतीश की बात की जाए तो उन्होंने इस मैच में शानदार गेंदबाजी की। प्रतीश जीसी ने 2 ओवर में 24 रन दिए, लेकिन जो 3 विकेट उन्होंने लिया, वो उस विकेटों ने पूरा मैच नेपाल की तरफ कर दिया और नेपाल की टीम ने ये मैच शानदार तरीके से जीता और नेपाल का हांगकांग सिक्सर्स टूर्नामेंट में आगे का सफर जारी है। और उम्मीद होगी कि नेपाल की टीम जिस तरह का खेल दिखा रही है, इस टूर्नामेंट में वो ऐसा ही प्रदर्शन दिखाए और हांगकांग सिक्सर्स की ट्रॉफी है वो नेपाल की टीम उठाए।